क्या फार्मेसी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी को? जी हाँ, आप जा सकते हो इंडियन आर्मी के लिए काम कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, किस एग्ज़ाम को पास करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, कितने इंटरव्यू होंगे, क्या प्रोसीजर है, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो एज अ फार्मेसी काम करना है? अगर आपको एग्ज़ाम का नाम है CDS, CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर एक साल में दो बार होता है, तो आपके पास दो ट्रायल मिल जाएंगे अगर आप एक साल में अगर आप ट्राई कर रहे हो। और ख़ास बात यह है कि आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने प्लस टू करी है, प्लस टू पास हो आप, लेकिन आप बी फार्मेसी कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्ज़ाम पे बैठने के लिए। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। इंडियन आर्मी की एक वेबसाइट है जिसका नाम है joinindianarmy.nic.in। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले हम उस डिस्क्रिप्शन खोल के आप उस लिंक पर जाएं, इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज पहले मिल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस दोस्तों सबसे पहले समझ लें आप इसके बारे में, हम इस वीडियो के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उस वेबसाइट के बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले जो एज लिमिट है वो 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स है। अगर आप 19 साल से बड़े हैं और आप 25 साल से कम होने चाहिए तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो CDS। इस एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू का नाम है SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा। यहाँ पर आर्मी पर्सन से आपका इंटरव्यू लेंगे। और यहाँ पर अगर आपका कोटा लगाना चाहते हो, आप रिलैक्सेशन चाहते हो, तो एक ही कोटा यहाँ पर लगता है, एक्स सर्विसमैन कोटा। अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली में से कोई आर्मी के अंदर है तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर आप आर्मी के लिए काम करना चाहते हो। फार्मासिस्ट आप काम क्या करोगे, वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं आर्मी के लिए, अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि कैंप लगते हैं आर्मी के, वहाँ पर आप यहाँ पर काम कर सकते हो हॉस्पिटल्स के अंदर एज अ फार्मासिस्ट। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है नेशनल लेवल पे 2 से 5 साल तक लगातार, तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी फिजिकल टेस्ट के अंदर, तो आपका फिजिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन कोटा लगाकर आप यहाँ पर रिलैक्सेशन पा सकते हो, दो ही रिलैक्सेशन यहाँ पर लगती हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, मेडिकल टेस्ट में आपका कौन से टेस्ट करवाए जाएंगे, ये सब आपको वेबसाइट पे गिवन होगा, आप वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे अगर मैंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम वेबसाइट पर देखते हैं कि आप वेबसाइट पर आपको जाना कहाँ है। अब चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जाओगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर रैली का ऑप्शन आपको देखना होगा, रैली नोटिफिकेशंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। रैली नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपके यहाँ पर लेटेस्ट रैली, JCO और OR के बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट अलग अलग यहाँ पर लोकेशंस अवेलेबल हैं, पंजाब की हैं, हरियाणा की भी होंगी, मध्य प्रदेश की होगी, छत्तीसगढ़ की होगी, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं आपका यहाँ पर रेगुलर आपको चेक करना होगा कि आपके एरिया की वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं या नहीं। सिपोए फार्मा की है यहाँ पर आप देख सकते हो आपको किस कैटेगरी के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको चेक करना होगा। यहाँ पर आप ऑल इंडिया के थ्रू नहीं जाती, यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग एरिया की, आपको यहाँ पर चेकआउट करना होगा कि आपकी यहाँ पर एरिया की वैकेंसी निकली है नहीं। आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस को आप चेकआउट करें पहले। इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप जा सकते हो कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन को सारा फॉलो करना होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर जा सकते हो और आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जा सकते हो, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम पहले जाते हैं और देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने अभी बात करी है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको जाना है नीचे ऑनलाइन अप्लाई पे, रैली नोटिफिकेशन पे जाकर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।